नमस्कार, जय हिंद, बंदे मातरम। दोस्तों, एक विशेष सूचना है बीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनोग्राफर वाली। आप ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिजिकल के लिए भी आपको साथ ही तैयारी करनी है। आपको पता होगी कि पिछली बार लगभग 67 लोग किसमें बाहर हो गए थे, इसकी वेट में बाहर हो गए थे। यानी हाइट में तो चलो वो तो एक जेन्युइन कंसर्न है कि लोग बाहर हो ही जाते हैं अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत भी कम ज्यादा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका वजन भी अगर ज्यादा है तो भी आप बीएसएफ एचसीएम की इस रेस से बाहर हो जाएंगे, और ऐसा पहले हुआ है, ये एक्सपीरियंस्ड बात है। दोस्तों, उसके लिए क्या करना है आपको, आपको थोड़ा सा देखो, वजन हमेशा डाइट से कम होता है, चाहे आप कितना वर्कआउट कर लो, लेकिन आपके खाने पीने का रूटीन अगर सेम ही है तो वजन बहुत कम केस में घटता है। तो आपको वजन भी उसी मेंटेन में रखना है। एक रेशियो आता है हाइट का और वेट का, उस रेशियो को मेंटेन करके उसी अकॉर्डिंग अपना वेट रखिए भाई, क्योंकि फिजिकल आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं एचसीएम एएसआई स्टेनोग्राफर की, तो आप देख सकते होंगे ये वन ऑफ द बेस्ट बुक आ जाती है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की। 20 से ऊपर प्रैक्टिस सेट है इसमें, जबरदस्त तैयारी आप इससे अपनी बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। साथ ही इसका सामान्य हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आता है, यानी अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं सामान्य हिंदी वाले को, तो भी आपकी तैयारी एकदम मजबूत रहेगी। आप इन किताबों को ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में दोस्तों ले सकते हैं, ये आपके नियर बाई स्टोर पर भी मौजूद रहेंगी और ऑनलाइन भी मौजूद रहेंगी। वन ऑफ द बेस्ट बुक है और पहले बच्चों ने इनसे पढ़कर सिलेक्शन लिया है। जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना, वो बहुत जबरदस्त है चक्षु प्रकाशन का, तो आप एक बार भी अगर इनको करते हैं तो यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर मेन एग्जाम, ओरिजिनल एग्जाम। ठीक है दोस्तों, कोई भी इश्यू है, कुछ भी, अगर किसी जैसे कुछ बच्चों के डाउट है फिजिकल से रिलेटेड कि सर मेरी उम्र 26 है लेकिन मेरे नॉक नी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों का बैंड है, कुछ के एंकल प्रॉब्लम है, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज जरूर नीचे कमेंट करना, ट्राई करूंगा नीचे ही आपका आंसर कर दूं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और दोस्तों अपना तैयारी जरूर मजबूत रखिए। जय हिंद।